आपका दुकान भी, आपकी बिजनेस भी, व्यवसाय नहीं चल रहा है। खूब कड़ी मेहनत करते हैं आप, सबका बिजनेस चलता है, आपका नहीं चल रहा। दुकान तो बंद पड़ी है, यहाँ तक कि उसका किराया देना भी अब मुश्किल हो रहा है। हो रहा है क्या आपके साथ ऐसा? तो आज लेकर आई हूँ एक चमत्कारिक उपाय। इससे पहले भी मैंने कुछ उपाय बताए हैं दुकान के, और बड़े चमत्कारिक उपाय बताए हैं, उसका रिजल्ट मुझे सुनने को मिल रहा। लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं दुकान वृद्धि की, ग्राहक के और ज़्यादा उपाय बताऊं, जिससे हमारा दुकान और ज़्यादा चलने लगे। तो आज जो उपाय बताने जा रही हूं, बड़ा सरल है, अद्भुत है, लेकिन कमाल का उपाय है, करते ही परिणाम आप देखेंगे। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह, और बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, दुकान जो होती है, ग्राहक जो होते हैं, वो दुकान की सामान की क्वालिटी, आपके बोली व्यवहार और आपके दुकान की गुडविल पर आते हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल बात है। लेकिन हमारे सामने न जाने अनगिनत कुछ ऐसे उदाहरण है कि दुकान तो शून्य के समान है, बिल्कुल छोटा सा गंदा कचड़ा सा दुकान, सामान बिल्कुल गंदे गंदे पुराने सामान भरे हुए, लेकिन ग्राहकों की लाइन लगी हुई। क्या है ऐसे बात? शानदार फर्नीचर बनी हुई, अच्छे सामानों से भरी सुंदर से सुंदर दुकान, चुपचाप बैठे हैं मालिक, ग्राहक आने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं छोटे छोटे दुकानों में इतने ग्राहक। कुछ तो है आपकी कुंडली में ऐसा जैसे कि कारण आपका दुकान नहीं चल रहा, आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा। फिर क्या करें? समय अच्छा आने का इंतज़ार करें, तब तक तो दुकान का किराया देना मुश्किल हो रहा है। आपको बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। आज एकमात्र उपाय आपको बताऊंगी, और बड़ा सरल, छोटा साधारण सा टोटका है, जिसे करने मात्र से दुकान की समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी, और जिस दिन आपके सारे संकट कलेश खत्म हो गए इस उपाय के करने से, दुकान आपका लाइन पर आ गया, बिल्कुल ग्राहकों की लाइन लगेगी। और ऐसा मान कर चलिए कि ये उपाय आपने किया और आपके दुकान की किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। घबराने की बिल्कुल बात नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने जा रही हूँ एक ऐसा छोटा सा सोल्यूशन। बहुत सारे सामान की ज़रूरत नहीं, कोई रुपया पैसा धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई ऐसा बड़ा टोटका और उपाय करने के लिए बताऊंगी जिसे करना कष्टदायक हो। बड़ा सरल उपाय बताती हूँ दोस्तों, सुनिए। ये उपाय आपको शनिवार के दिन करनी है, महीने की किसी भी शनिवार को, हफ्ते के कोई भी दिन के शनिवार को चुन लीजिए आप, और उससे लेकर लगातार 7 शनिवार तक आपको ये उपाय करनी है। जो भी दुकान खोलते हैं, जैसे एक दुकान में 2-3 लोग बैठते हैं, एक ही घर के 2 भाई पिता सब बैठते हैं, तो जो लड़का दुकान खोलता है या जो महिला अपनी दुकान को खोलती है, आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, बिल्कुल बंद पड़ी दुकान, कहते हैं ना कि ये दुकान पहले एक समय में खूब चलती थी, इनके पिताजी थे तो खूब चलती थी, फिर बेटों के हाथ लग गई ये दुकान, और धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे, और अब तो पोते के हाथ आते आते दुकान बिल्कुल ही डूब गया है ना। यानी बरसों से ये कुंडली दोष चला आ रहा है, और मैं आज जो उपाय बताने जा रही हूँ वो सारे दोष को हटाकर फिर वो दादा के ज़माने वाली भीड़ ना आ जाए तो कहना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और ये भी लिखें कि मेरे बताए उपाय और टोटके करने से आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया। नए सब्सक्राइबर्स जो भी आए हैं, नए व्यूवर्स, मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हर दिन लेकर आती हूँ जीवन को बदल देने वाले कुछ अद्भुत चमत्कारिक उपाय। शनिवार से लेकर ये उपाय करने हैं आपको 7 शनिवार तक। आपको क्या करना है? जो भी लड़का ये दुकान खोलता है, कोई भी महिला ये दुकान खोलती है, आपको अपने घर से साफ सुथरे बर्तन में बिल्कुल गैस चूल्हा पोछ लीजिए सफाई से, मीट मछली ना सटे उसमें, कोई भी नॉनवेज ना सटे। आप कुछ नमकीन खाने का बनाइए, कुछ भी नमकीन बनाइए, निमकी बनाइए, कचौड़ी बनाइए, समोसा बनाइए, कुछ भी नमकीन बनाइए, नमक डालकर मैदे से बनाइए, आटे से बनाइए, नमकीन बना लीजिए नाश्ता, उसे कोई और ना खाए। जो आप दुकान ले जाने के लिए बना रहे हैं, बस वो इतनी मात्रा में बनाए कि बस उतना ही बने, वो बचे भी नहीं, घर में उसका कोई भाग छूट ना जाए, जितना बनाए आप सारा ले लें। आप दुकान जाते हैं, दुकान खोलते हैं, साफ सफाई दुकान की करते हैं, जैसे हम भोग चढ़ाते हैं ना, जैसे लड्डू चढ़ाते हैं, रोज का प्रसाद चढ़ाते हैं ना, आपके दुकान में जो मंदिर है उसमें आप वो नमकीन, जो खाना आप लेकर आए हैं, नमकीन नाश्ता लेकर आए हैं, वो आप भोग के रूप में भगवान को चढ़ा दें। अब आप कहेंगे, वाह दीदी, आज तक तो हमने नहीं सुना कि भगवान को नमकीन चीज़ भोग लगती है। आप कीजिए, ये उपाय है। जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें घाव हो जाता है शरीर के किसी भाग में, हमें सड़न हो जाती है, घाव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर बीमार हो जाता है, मरने की स्थिति आ जाती है। फिर आपने देखा है कि उस घाव में क्या क्या डाला जाता है, जो जिसे समझ में आता है वो लगाते हैं। क्यों? क्योंकि घाव को ठीक करनी है। तो ये जो उपाय हम करते हैं ना, छोटे छोटे उपाय, वो हमारी उसी बीमारी को ठीक करने की एक इलाज है, एक दवाई है।
तो हम जो ये नमकीन नाश्ता भोग लगा रहे हैं, बिल्कुल आपको इसे ईश्वर से नहीं जोड़ना है कि भगवान को हम नमकीन कैसे चढ़ाएंगे। आप साफ सुथरे तरीके से निमकी बनाकर लाइए घर से, नमकीन कचौड़ी बनाकर लाइए और बिल्कुल भगवान को आप भोग दीजिए। जैसे भोग देते हैं पूजा के पास, आप साफ सुथरे बर्तन में उसे रख दीजिए या दोने में रख दीजिए। दिन भर बीत जाने दीजिए, शाम हो गई, शनिवार के दिन ही शाम हो गई, जब संध्या हो गई, 7 बज गए 7:30 बज गए, आप उस नमकीन को उठा लीजिए और ले जाकर काले कुत्ते को खिला दीजिए। शनिवार का ही दिन होना चाहिए। शनिवार को सुबह आपने ये टोटका किया दुकान खोलते वक्त, और दुकान बंद करने वक्त जब आप दुकान बढ़ाते हैं अपना, तो इस नमकीन को उठाकर ले जाइए और सीधे काले कुत्ते को खिला दीजिए। काला कुत्ता खाना, जैसे उसे खाएगा, आपके दुकान का जो वास्तु खराब है, दुकान ना चलने की, ग्राहक ना आने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे दुकान का वास्तु खराब होता है, तो बिल्कुल हमें उस पर काम करना है। लिमिट्स को पकड़ कर चलेंगे, तीर सीधे निशाने पर लगेगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हमें अपने दुकान का वास्तु सुधारना है। अगर वास्तु खराब नहीं है, दोष आपकी कुंडली में है, दुकान का जो मालिक होता है, रजिस्टर होते हैं जिसके नाम से दुकान, उसकी कुंडली के अनुसार दुकान चलता है। चाहे दुकान में कोई भी स्टाफ बैठते हो और 2-3 भाई बैठते हो, उनकी किस्मत से नहीं चलती है दुकान। दुकान जिनके नाम से रजिस्टर हो, तो हो सकता है ये दुकान आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके किसी बड़े भाई के नाम से रजिस्टर है, जिनकी कुंडली में ये दोष है, तो ये जो उपाय मैं आज बता रही हूँ, ये उस कुंडली के दोष को भी खत्म करेगा। इस हफ्ते किया आपने, फिर अगला शनिवार आया, फिर अगले शनिवार आपने कुछ नमकीन बनाया, ले जाकर सुबह सुबह आपने भोग दिया भगवान के पास। दिन भर खुला रहने दीजिए उस नमकीन को, ढकने की ज़रूरत नहीं है। नमक जो होता है, किसी भी चीज़ का नमक, चाहे खाने में नमक हो, नमक से पोछा लगाने से शनिवार के दिन सारे वास्तु दोष हमारे उस पानी में आ जाते हैं, पानी को हम फेंक देते हैं पोछा लगाने के बाद। तो ये जो नमकीन भोजन आपने लगाया है, जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने वास्तु दोष हैं हमारे दुकान में, वो लोग इस भोजन को खाने के लिए आएंगे, खाएंगे भी और चिपक भी जाएंगे। नमक में आदमी बैठता तो है कुछ भी चीज़, लेकिन फिर वो उठ नहीं पाता। नमक में वो ऊर्जा है, वो शक्ति है कि चिपका लेती है अपने से नकारात्मक ऊर्जाओं को, वास्तु दोष को। वो आपने कर लिया, 7 शनिवार लगातार करते जाइए, बिल्कुल कुंडली का दोष खत्म होना ही है। और दुकान का वास्तु ना ठीक हो जाए तो कहिएगा। कई लोगों ने मुझे कहा है कि ये उपाय जो मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं, मैं उन्हें जब बताती हूँ तो 2 से 3 शनिवार में ही उन्हें फ़र्क दिखने लगता है। कुछ लोगों ने तो अद्भुत चमत्कार बात कह दिया कि शुक्रवार को गुरुवार को मुझसे पूछ कर गए और पहले ही शनिवार को किया, और तुरंत फ़ोन करके मुझे संडे को मंडे को कहते हैं कि दीदी हमने शनिवार को किया है, कमाल हो गया, क्या उपाय आपने बताया, चमत्कार हो गया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो अगर इस उपाय को करने से, मतलब एक शनिवार करने मात्र से आपको फल मिलता है, तो क्यों ना किया जाए, ज़रूर करें ये उपाय। और एक और बात बताती हूँ आपको कि दुकान वृद्धि का यंत्र आता है एक, अगर आप किसी अच्छे जगह से उस यंत्र को मंगवा सकते हैं, मैं तो अभी नहीं देती हूँ, बाद में मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करवाऊँ, एक नवग्रह शांति यंत्र और एक दुकान वृद्धि का यंत्र। ज़्यादा पैसे न फंसाइएगा और किसी आडंबर में मत फंस जाइएगा। अगर सही यंत्र आपको कहीं से प्रोवाइड होता है, और नहीं होता है तो भोजपत्र पे बना भी यंत्र आता है जो आसानी रूप से मिल जाता है, या आप नेट पे सर्च करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, उसे आप अपनी दुकान में लगा दें। ये जो नवग्रह शांति का जो यंत्र होता है ना, वो बड़ा समृद्धि का सूचक होता है, दुकान में हर हाल में होना ही चाहिए। तो बिल्कुल कीजिए ये उपाय और चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखिए, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। साढ़े बड़े बुजुर्गों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सभी छोटे बच्चों को बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।